नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आप में मिस ना हो सके। बात करने वाले हैं 2 रुपये के शेयर के बारे में, जिसके बारे में लगातार आप क्वेश्चन पूछते रहते, तो ध्यान सुनना। ये स्टॉक 86% टूट चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्टॉक में प्रमोटर्स लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट अगर 3-4 क्वार्टर की अगर आप शेड्यूल पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो यू सी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा माल प्रमोटर्स ने बाई किया है सीधा पब्लिक से। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में सेम जो आपका पैटर्न है वो आपको देखने को मिले, मतलब इंक्रीज होते हुए देखें शेड्यूल पैटर्न। डेफिनेटली इसकी वजह से भी आप स्टॉक को अपने चाहो तो ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। और ध्यान सुनना, अगर ये स्टॉक 2 रुपये की चीज प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देता है तो आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इससे लॉस कट कर लेना। क्या पता फिर स्टॉक आपको 2 रुपये की जगह 1 रुपये मिल जाए, वहाँ पर फिर आप स्टॉक को दोबारा री एंट्री कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अपने हाई से बहुत स्टॉक टूट चुका है। एक वक्त था स्टॉक का प्राइस 17 रुपये था, ऑलमोस्ट 86% लास्ट 5 सालों में कैपिटल सबकी यहाँ पर समाप्त होते हुए हमें दिख रही है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो जो मैंने बातें आपको बोली उसको प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। वहीं आपको कुछ बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम मुजाली आर्ट्स है, ठीक है। इसको अगर मैं बात करते थोड़ा बहुत कंपनी की परफॉर्मेंस तो मैं आपको दिखा दूँ, तो पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। बेसिकली ये पर्सनली हमारे लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहाँ पर बैठने वाले हैं, ना कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप क्यों स्टॉक में राइट कर रहे हो, क्यों स्टॉक को बाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ नेगेटिव देखने को मिलेगा क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है और यहाँ पर आप 2 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मतलब क्लोजिंग बेसिस में लगा सकते हो 1.90 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड रिवॉर्ड आप सभी को पता है, रिवॉर्ड कुड बी मच बेटर। जो आपका स्टॉप लॉस है उसके लिए बहुत अच्छा होने ही वाला है, राइट। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैं ये वीडियो को कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज स्टॉक में कुछ खास नहीं है, बस यही सबसे बड़ी बात है स्टॉक की। देखो 0 थी यहाँ पर, 26 हुई, 30 हुई, 30 से 33 हुई, 30 से 36 हुई, तो अभी लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 2% का इजाफा हमें देखने को मिलता है। हर बार प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं पब्लिक से माल, तो ये एक बिग साइन है कि स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा आपको प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। ये रीजन बहुत बड़ा रीजन होता है प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज करना, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है अपने आप में, आप कोई दूसरा इंडिकेटर मत ढूंढो, ये खुद में बहुत बड़ा इंडिकेटर है जहाँ प्रमोटर्स लगातार होल्डिंग इंक्रीज करते हैं, साथ में पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आप देखिए लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो नजरों में रखो, यही मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। बाकी आपको दिखाएगा उसमें थोड़ा चार्ट पैटर्न, इसको कभी ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा कम है और इस स्टॉक अभी ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वाइट पे मैं यही बोलूँगा, यहाँ पर स्टॉप हाउस लगा लो, यहाँ का एकुमुलेट कर लो, ठीक है। 1.90 रुपये का स्टॉप हाउस लगा लो, यहाँ का एकुमुलेट कर लो, ठीक है। रिवॉर्ड रहेगा कम से कम पहला, ये स्टॉक 4 रुपये के टारगेट आपको दिखाएगा, 4 रुपये के पहले टारगेट, यहाँ से पैसा डबल तो ऑलमोस्ट नहीं हो सकता लेकिन 80-90% रिटर्न आ सकता है अगर ये 4 रुपये का टारगेट आपको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर टारगेट है ये वाला 4.86 रुपये, यहाँ आपका पैसा डबल हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया आपको, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज में, तब तक के बाद है, टेक केयर एंड गुड नाइट।